आज हम नीट का सबसे बड़ा चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फो, मॉर्फो का मतलब होता है फॉर्म, और लॉजी स्टडी। उनमें क्या, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है टू स्टडी ऑफ सेवरल फॉर्म्स। तो आज का हमारा चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो देखते हैं, इसमें दरअसल हम एंजियोस्पर्म्स का मॉर्फोलॉजी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज तक मीन्स टिल टुडे हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ एंजियोस्पर्म्स अननोन। देर आर 3 लाख स्पीसीज ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर नोन टिल टुडे। और आज से 1030 मीन्स 1030 ईयर्स एगो फर्स्ट एंजियोस्पर्म्स आविष्कार हुए थे, ठीक है। अब देखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। फर्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हैबिट। क्लासिफिकेशन हैबिट के हिसाब से क्लासिफाई करने में हमको प्लांट को 3 क्लासिफिकेशन मिलता है। एक है हर्ब्स, दूसरा है हर्ब्स SHRUBS, और 3 नंबर में है ट्रीज। तो हर्ब्स किसको कहेंगे, जिसका एकदम दुगला पतला सा स्टेम है, जिसका स्टेम एकदम दुगला पतला सा है। जैसे कि मान लो रोज, हर्ब्स जिसका स्टेम सख्त है पर ट्रीज का जैसा नहीं, हैविंग स्ट्रॉन्ग स्टेम्स बट नॉट लाइक ट्रीज, उसका ट्रंक नहीं होता, मीन्स बूसी स्टेम्स। इसको, इस हर्ब्स को एक और भी नाम से पुकारा जाता है, बूसेस। इसका एग्जांपल है हिबिस्कस, ठीक है। और ट्रीज, ट्रीज किसको कहते हैं, हैविंग ट्रंक। ट्रीज को हम और भी क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि ब्रांच्ड और नॉन ब्रांच्ड। नॉन ब्रांच्ड जो है उसको हम बोलते हैं कॉडेक्स, ये एग्जाम में आता है, इसको ज्यादा ध्यान रखना। नॉन ब्रांच ट्रीज इज कॉल्ड कॉडेक्स। और ब्रांच भी दो तरह से होता है, एक लेटरल ब्रांचिंग और एक क्राउन ब्रांचिंग, लेटरल ब्रांचिंग और एक क्राउन ब्रांचिंग। इसको हम जब स्टीम पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। अब ट्रीज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो हिसाब से, जैसे कि हैबिटेट के हिसाब से। फर्स्ट है हाइड्रोफाइट्स, उसके बाद है मेसोफाइट्स, उसके बाद है जेरोफाइट्स। और भी है जैसे क्राइसोफाइट्स, इट इज, पर ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोफाइट्स मीन्स हाइड्रो मीन्स वाटर, फाइट्स मीन्स प्लांट्स, मीन्स
जो प्लांट वाटर में उगते हैं, मींस जैसे कि एग्जांपल है पिस्टिया, दूसरे है हमारा मेसोफाइट्स। मेसोफाइट्स मींस रिक्वायर मॉइस्चर कंडीशन टू ग्रो, मॉइस्ट कंडीशन MOIST इसका एग्जांपल है डेट प्लम। मींस फोनिक्स डेक्टिलोफेरा, इसका डेट प्लम का साइंटिफिक नेम है फोनिक्स डेक्टिलोफेरा, ये इंपॉर्टेंट है। और जेरोफाइट्स जो डेजर्ट में होता है और ड्राई कंडीशन में होता है उसको हम जेरोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। जेरोफाइट्स के एग्जांपल है ओपांटिया और एकासिया। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, ये एग्जाम में आता है स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म एग्जाम्पल है उल्फिया, एक एक्वाटिक प्लांट है WOLFFIA। ये इसका डायमीटर भी आपको याद होना चाहिए, यह है 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। और एक प्लांट है वो है एक्वाटिक लेमना, इसको ये स्मॉलेस्ट नहीं है पर इसको याद रखना एक्वाटिक लेमना। इसका डायमीटर है 0.1 सेंटीमीटर, ये मिलीमीटर है और ये सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हम देखेंगे टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है हमारा यूकेलिप्टस। जिसका डायमीटर, जिसका लंबाई होता है 100 सेंटीमीटर से भी ज्यादा, 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई होता है, जिसका ऊंचाई होता है 100 मीटर से ज्यादा, ठीक है। और हाईएस्ट यूकेलिप्टस रिकॉर्डेड है 130.5 मीटर, ठीक है दोस्तों। अब हम देखेंगे वाइडेस्ट एंजियोस्पर्म, वाइडेस्ट एंजियोस्पर्म है हमारा बेनियन ट्री। जो कि 2 से लेकर 5 मीटर एकड़ तक भी होता है, 2 से लेकर 5 एकड़ तक भी होता है बेनियन ट्री, इतना ज्यादा एरिया वो लेता है। बेंगलुरु में जो सबसे बड़ा बेनियन ट्री है उसका 5 एकड़ है, उसका विद 5 एकड़ है, ठीक है दोस्तों। ये अगले वीडियो में हम रूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, तो ठीक है।